डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र का प्रथम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, उसी में का क्रियात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने नवबोध प्रकाशन का पुस्तक नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, या नवबोध प्रकाशन से पढ़ते हैं तो इसी में से पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ। कक्षा 12वीं का बुक है नवबोध प्रकाशन का, पेज नंबर 115 में क्रियात्मक प्रश्न है साझेदारी के। हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, चैप्टर नंबर 1 है साझेदारी में, पहला चैप्टर है। उसमें हमको आज पढ़ना है लाभ हानि नियोजन खाता, जो कि क्रियात्मक प्रश्न से एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्रियात्मक प्रश्न का उदाहरण, जो कि ये जो पहला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है और इसी प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर भी आगे बढ़ेंगे, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है कि कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 थी। देखिए, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं, मतलब लाभ होगा या हानि होगा दोनों बराबर में बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है, दोनों का भाग बराबर होगा, ठीक। उसके बाद 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी कितनी थी, 20,000 थी और 16,000 रुपये क्रमशः, ठीक है। तो मतलब 20,000 रुपये कुणाल की थी और 16,000 रुपये जो थी वह थी क्या बोलते हैं, सौरभ की। उसके बाद लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है और 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 था, ठीक है, 9,800 रुपये था। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। देखिए, इसमें हमको तीन चीज़ करना है, तीन चीज़ कौन कौन सा करना है। पहला जो है, हम जो है पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। दूसरा, पूंजी पर जो ब्याज की गणना करेंगे, जिसका जनरल एंट्री करेंगे हम, उसको जो है लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित कर देंगे। और तीसरा जो है, बचा हुआ जो राशि है शुद्ध ब्याज को देने के पश्चात उस राशि को जो है लाभ के रूप में उसको वितरण कर देंगे, ठीक है, दोनों साझेदारों के बीच। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए समय वेस्ट ना हो इसलिए पहले से ही मैं बना करके रख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ को समझाते जा रहा हूँ, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पंजी प्रविष्टि में आप 2017 जनवरी 1 पूंजी पर ब्याज खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाता से, पहला एंट्री होगा पूंजी पर ब्याज खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाता से और सौरभ के पूंजी खाता से, ठीक है। पूंजी पर ब्याज को साझेदारों के पूंजी खाते में क्या करना है, क्रेडिट करने पर, यहां पर विवरण में डाल दीजिएगा। तो कुणाल को कितना मिला, 2,000 रुपये मिला और सौरभ को कितना, 1,600 रुपये। अब इसकी गणना को हमको देखना है कि ये कहां से आए अमाउंट, तो हमको पूंजी पर ब्याज निकाले हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज, देखिए कितना प्रतिशत, 10% की दर से देना है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत, 10%। तो इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर रखा है। देखिए, पूंजी पर ब्याज अगर हमको निकालना है तो कुणाल का निकालेंगे तो 20,000 रुपये की पूंजी है, उसका 10% निकालें तो 2,000 रुपया। सौरव का पूंजी है 16,000, 16,000 का 10% निकालेंगे तो 1,600 रुपया। वही हो गया ये पूंजी पर ब्याज। देखिए, यहाँ पर हमने उसी चीज़ को लिखा है 2,000 और 1,600 पूंजी पर ब्याज को, क्लियर हो गया। अब इस पूंजी पर ब्याज को हम क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो उसका दूसरा एंट्री होगा, जब भी ऐसा एंट्री करेंगे उसके बाद हमको यही एंट्री करना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से, क्लियर हो गया। पहला एंट्री ये होगा, उसके बाद दूसरा एंट्री ऐसे ही करना पड़ेगा, हर एक जो आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पूंजी पर ब्याज अगर देना रहेगा उसके बाद जो है ये एंट्री आपको करनी होगी, ठीक। लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से, यहाँ पर लिख दिए पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने पर, यहाँ पर देखिए 3600 रुपये, यहाँ पर भी 3600। देखिए, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल का कैपिटल अकाउंट और सौरभ के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आपको मैं पुस्तक से आपके लिए भी एक व्यवस्था करता हूँ।
हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल से कैपिटल अकाउंट और टू सौरभ से कैपिटल अकाउंट हो गया। 3600 यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 2000 ये 1600 रुपये फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 1 जनवरी 2017 को हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या किए, जो क्या बोलते हैं, ये पूंजी पर ब्याज था, हम उसको कहाँ डाल देंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये जो 3600 रुपये है उसको हम क्या कर देंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में डाल दिए। इस प्रकार से डाल दिए, लॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डालना है हमको, इस प्रकार से डाल दिए। ठीक उसी प्रकार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से इस प्रकार से लिख सकते हैं। और राशि जो है यहाँ पे देखिए 3600, यहाँ पर 3600, यहाँ पे लिख दिए पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। ठीक है, आप डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा 2017 दिसंबर 31 करके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम क्या, अब उसके बाद बचा क्या हमारे पास, उसके बाद तीसरा जो एंट्री होगा वो होगा हम जो लाभ है, लाभ कैसे है, 9800 रुपये का जो लाभ था क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, 9800 रुपये का लाभ। यहाँ पर देखिए ब्याज देने के पूर्व कितना है, 9800 रुपये का लाभ था। इसी 9800 रुपये के लाभ को हम क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ब्याज देने के पूर्व था 9800, अब ब्याज कितना दे दिया हमने, 3600 रुपये दे दिया। देखिए 9800 में से 3600 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शुद्ध लाभ कितना आ गया, 6200। अब इस 6200 को हम बराबर बराबर साझेदारों में बांटेंगे। क्वेश्चन में प्रश्न में दिया है ना कि कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, तो भाग दो कर देंगे। ठीक है, 6200 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो गया, 3100 रुपये हो गया। इस 3100 को हम दोनों साझेदारों को बराबर बराबर में बांट दिए, देखिए 3100 इसमें 3100 इसमें। तो इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाता से। ठीक है, यहाँ पर 6200 रुपये की राशि और इसमें 3100 और इसमें 3100। ठीक है, समाकलन पक्ष में दोनों में 3100 को एंट्री करेंगे और यहाँ पे 6200 को एंट्री करें, और यहाँ पे लिख देंगे लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में वितरण करने पर। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं दिनांक के साथ। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल से कैपिटल अकाउंट और टू सौरभ से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्ट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्ट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो 6200 और ये हो गया 3100। ठीक है, तो 6200 और 3100 ये हो गया। इस प्रकार से आपको तीनों को एंट्री करना है। पहला एंट्री आप समझ गए हैं कि पहला एंट्री यही होगा, पूंजी पर ब्याज अगर हम बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल से कैपिटल अकाउंट, सौरभ से कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से आपको बनाना है। दूसरा उसको हम क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरा जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल से कैपिटल अकाउंट और टू सौरभ से कैपिटल अकाउंट। क्या इसको घटाने के बाद 3600 रुपये जो है उसको हम जो टोटल ब्याज टोटल जो लाभ था उसमें से घटा दिए, 9800 में से 3600 बचा, 6200 को हम क्या कर दिए, साझेदारों के मध्य जो है वो ये लाभ है, शुद्ध लाभ है, उसको बांट दिए हमने। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, देखिए 9800 में से क्या कर दिए, 2100 मतलब ये 3600 2100 को इसको माइनस किया, मतलब 3600 को माइनस किए तो 6200 प्रॉफिट बचा, इस 6200 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो, 3100 रुपया। ठीक है, उसी कैलकुलेशन को मैंने भी बताया है आपको, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ये हो गया आपकी पंजी प्रविष्टि। अब हम चलते हैं इसका लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता हिंदी मीडियम के विद्यार्थी समझ लें, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि नियोजन खाता अगर बनाएंगे हम, तो पहला जो है पूंजी पर ब्याज खाता से। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाता से सौरभ पूंजी बात अब सौरभ के पूंजी खाता से, अब इसको क्या कर दे, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से। यही हम क्या बना रहे हैं अभी, लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता को बनाते हैं तो उसके विपरीत पक्ष में क्या है उसको देखते हैं। तो पूंजी पर ब्याज खाता से इसी को हम लिखेंगे कहाँ पे, लाभ हानि नियोजन खाता में। तो यहाँ पर लिख दिए लाभ हानि नियोजन खाता
में पूंजी पर ब्याज खाता सी। अब उसमें हम दो चीज़ और जोड़ेंगे कि कुणाल का कितना और सौरभ का कितना, उसको लिख दिए यहाँ पे और टोटल कर दिए 3600। ठीक, एक चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ हमको देखना है, अब दूसरा यहाँ पर है लाभ अनियोजन खाता विकलन कुणाल के पूंजी खाता से सौरभ के पूंजी खाता से, ये दोनों उसके विपरीत पक्ष में है, तो इसको हम क्या करेंगे, खाता बही के ये समाकलन में है तो खाता बही के विकलन में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम जो खाता बना रहे हैं इसके विकलन में ले गए, ये विकलन पक्ष है, विकलन पक्ष में लिख दिए लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, करने पर तो कुणाल का 3100 सौरभ का 3100, इसको जोड़ दिए तो 6200 हो गया। इस प्रकार से 3600 और 6200 जुड़ेंगे तो टोटल 9800 हो गया। अब इस पक्ष में क्रेडिट पक्ष में क्या लिखेंगे, तो लाभ हानि खाता को इस राशि को क्या करते हैं, बाद में लाभ हानि नियोजन खाता से उठा करके हम लाभ हानि खाता में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए लाभ हानि खाता को। क्लियर हो गया, इसकी एंट्री एक एंट्री और होती है, लाभ हानि खाता विकलन होगा लाभ हानि नियोजन खाता से होता है, तो ये लास्ट में होता है, इसलिए लाभ हानि खाता को करके 9800 और यहाँ पे शुद्ध लाभ करके लिख दिया और इसको जो है दोनों पक्षों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। क्लियर हो गया, आपको आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार, यहाँ पर भी देखिए दोनों जो साझेदार हैं वो बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 और कितना है, 16,000 रुपये है, और अशोक प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। अशोक जो है कितना वेतन पाने का अधिकारी है, 600 रुपये उसको प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है, पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व कितना था, 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्लियर हो गया, तो हमको इसका गणना करना है, गणना करना है तो पहले तो पूंजी पर ब्याज को देखेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालना है हमको, तो पहले पूंजी पर ब्याज कैसे निकालते हैं, तो देखिए पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दो साझेदार हैं आलोक और अशोक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आलोक, आलोक और यहाँ पर लिख देते हैं अशोक। ठीक है, आलोक और अशोक, ये दो चीज़ दो लिख दिए। अब इसमें पूंजी है उनका 20,000 रुपये, एक का पूंजी है 20,000 और एक का पूंजी है 16,000, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कितना परसेंट, तो पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज है 6%, तो गुणित 6/6 क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, प्रतिशत मतलब 100, तो 0,0 कट गया, यहाँ पर हो गया 6×2=12, कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया, 2×0=6×2=1200, और यहाँ पर भी 6/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0×0=16×6=96 हो गया, 960 रुपये हो गया। ये हो गया क्या, पूंजी पर ब्याज आलोक का निकल गया 1200, अशोक का निकल गया 960, ये हो गया। दूसरा चीज़ वेतन, वेतन है किसको दे रहे हैं, अशोक को दे रहे हैं वेतन, अशोक को मिल रहा है कितना, मिल रहा है 600 रुपया प्रति माह मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है प्रति माह अशोक। ठीक है, तो इसी 600 को क्या करेंगे, 600×12 कर देंगे, क्योंकि एक साल का निकालना है हमको, तो 12×6=72, 7,200 रुपया हो गया, ये 7,200 रुपया क्या हो गया, वेतन हो गया। अब हमको ये भी देखना है, ये दो चीज़ को आपको पता चल गया, ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता चल गया। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, अब इसके बाद हमारा कुल जो लाभ था वो कितना था, कुल जो लाभ था वो था 12,000 रुपये, प्रश्न में दिया हुआ है कुल जो लाभ था वो 12,000 रुपये था, ये ठीक है समायोजन के पूर्व था ना 12,000, तो अब हम समायोजन करेंगे तो 7200 और इसको दोनों को जोड़ दिए, तो 1200 और 960 इसको जोड़, 960 को जोड़ते 0, 6 और 9, 9×2=11 का 1 और 1 = 2, 2160 ये हो गया। 7200 को और जोड़ दीजिए इसमें, 7200 रुपये जोड़ दीजिए, 0, 6 और 2 = 3 और 7 = 9, 9360 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 0×10=4, 6×4 हो गया, ये 9×3=6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है ये हो गया समझो 1×1=11, 11×9=2, 2640 रुपये, तो 2640 ये क्या है, शुद्ध लाभ है, ये शुद्ध लाभ है कब, समायोजन के बाद, समायोजन के पूर्व तो कितना था 12,000 रुपये था, 12,000 में से हमने क्या किया, इसका पूंजी पर ब्याज और वेतन दोनों को माइनस कर दिया, इनको सबको जोड़ दिया और ये जो टोटल आया
कितना आया टोटल 9,360 रुपया आया। इन सब का टोटल कितना है 9,360 रुपये। इसको हम क्या कर दिए 12,000 में से माइनस कर दिए 9,360, ठीक है। तो हमारा शुद्ध लाभ कितना हुआ 2,640। अब इसको हम क्या करेंगे भागी दो कर देंगे। बराबर बराबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे बराबर का साझेदार है करके लिखा है, बराबर के साझेदार हैं इसलिए भागी दो कर दिए। तो भागी दो करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, तो आप इसका आधा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 4 का 2 हो गया, 3 इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, और यहाँ पे 0 लगा दीजिए सिंपल से, तो कितना हो गया 1,320 हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए 1,320, समझ में आया। तो 1,320 रुपये एक साझेदार को देंगे हम, ठीक है, शुद्ध लाभ के रूप में। अब इसको बनाना कैसे है, तो अब हमको पंजी प्रविष्टि के लिए तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, पंजी प्रविष्टि करने को बोला नहीं है, ठीक है, पंजी प्रविष्टि करने को हमको क्वेश्चन में बोला नहीं है। यहाँ पर देख लाभ हानि नियोजन का लेखा बनाइए बोल रहा है केवल, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ इसमें लाभ हानि नियोजन लेखा। तो यहाँ पर देखिए हम ये तो था पहला क्वेश्चन का था, अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इस टाइप से बनाना है आपको, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाता लिख देना आप, और कौन सी तारीख को बना रहे हो, तो 31 दिसंबर है, तो उस जिस तारीख को आप बना रहे हो उस तारीख को आप लिख सकते हैं, और डेबिट क्रेडिट दो पक्ष है। अब इसमें क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता से पहला जो है वो पूंजी पर ब्याज खाता से पंजी प्रविष्टि करते हैं ना, तो पूंजी पर ब्याज खाता से लिख दिए। अब आलोक और अशोक दो लोग हैं, दो हैं, देखिए यहाँ पर आलोक और अशोक, यहाँ पर लिखा हूँ 1,200 और 960। आलोक और अशोक का तो पूंजी पर ब्याज को लिख दिए, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे पूंजी पर ब्याज, आलोक और अशोक का 1,200 और यहाँ पे 960 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो 2,160 रुपये हो गया। फिर उसके बाद है सैलरी का, हम सैलरी का भी कैलकुलेशन किया है, वेतन अशोक करके लिखे हैं, वेतन अशोक 600 × 12 मतलब 7,200, तो यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी अकाउंट, और इसमें अशोक करके ब्रैकेट में लिख दें 600 × 12 करके लिख दिया, तो 7,200 रुपये हो गया। अब इन दोनों को करने के बाद जो है जो इनको टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद जो 12,000 था उसमें से माइनस किया, तो जो लाभ हुआ मतलब जो लाभ आया था 12,000 को माइनस कर दिए थे यहाँ पर से देखिए, तो ये 2,640, इस 2,640 को बांट दिए 1,320 आया एक एक साझेदार को, उसको हम क्या कर देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाते में, इसमें हिंदी में लिख लेंगे लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी खाते में, आलोक के खाते में और अशोक के खाते में, तो 1,320 और 1,320 दोनों मिलाकर कितना हो गया 2,640 रुपया हो गया। इस पक्ष का एंट्री टोटल क्लियर हो गया। अब इस पक्ष में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल हमको लिखना है लाभ हानि खाता को, या तो आप नेट बाय नेट प्रॉफिट करके इतना राशि लिख सकते हैं, मतलब शुद्ध लाभ करके इतना राशि ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लाभ हानि खाता को करके, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता की राशि को बाद में हम क्या करते हैं लाभ हानि खाता में डाल देते हैं, इसलिए लाभ हानि खाता को करके आप 12,000 लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए शुद्ध लाभ, ठीक है, इस पर यह लाभ करके लिख दीजिए। अब इसके बाद इसमें 12,000 लिखने के बाद इस दोनों तरफ को आप टोटल कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको इस मतलब प्रश्न को हल करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन तक ये मेरा वीडियो जो है पहुँचा दीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट हैं वो घर बैठे अपना पढ़ाई कर सकें और उनको ट्यूशन भी ना करना पड़े। धन्यवाद।